है एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए ये जो अप्रैल का महीना है किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि अप्रैल महीने में किस प्रकार के ट्रांजिट है और धनु लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां क्रिएट हो रही है। देखिए, मुख्य रूप से धनु लग्न के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है गुरु का। गुरु आपके 13 अप्रैल के अंदर, मतलब 13 अप्रैल के बाद आपके तृतीय स्थान में से निकलकर आपके चतुर्थ स्थान में आ रहा है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है आपके लिए। और गुरु मीन राशि के अंदर सबसे उच्च का स्वगृही है, मतलब कि अच्छी पोजिशन में है, बेस्ट पोजिशन में है, फोर्थ हाउस के अंदर है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि एक भ्रमण जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है राहु का और केतु का, क्योंकि राहु जो है वो आपके सिक्स्थ यानी कि छठे घर में से निकलकर आपके पंचम भाव में जा रहा है और केतु आपके 12वें स्थान में से निकलकर आपके 11वें स्थान के अंदर आ रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि सबसे पहले बात करते हैं लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में जा रहा है स्वगृह पोजीशन में। ये एक ऐसी पोजीशन होगी यानी कि 13 अप्रैल के बाद सबसे पहले जो कार्यस्थल के अंदर आप कोई भी जो ज्ञान से रिलेटेड काम करते हैं, स्पेशली जो एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, इवन जो भी प्रकार का जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य होता है, उन लोगों के लिए बहुत एक्सलेंट पोजीशन है। और धनु लग्न वालों के लिए चतुर्थ भाव में जाने के कारण मैं एक चीज कहूंगी कि आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि होती है, कोई भी कार्य करेंगे। और गुरु जो है वो ऐसी पोजीशन में बहुत ही समझदारी के साथ काम करने की क्षमता देता है। आप कोई भी चीज के बहकावे में आकर कोई कार्य नहीं करेंगे, आपके चीजों में काफी वेल प्लान्ड अप्रोच रहेगा। तो अगर कोई इंटरव्यू है, हर तरह से 13 तारीख के बाद आपके लिए चीजें बहुत फेवरेबल है और परिस्थितियों में बहुत हद तक मैं कहूंगी कि सुधार की स्थिति है आपके जीवन में। धीरे धीरे जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें एक सटीकता, एक स्थिरता आएगी, आप अपने आप के आपके मन पर भी एक स्थिरता आएगी। तो ये एक कहूंगी कि बेटर स्थिति है आपके लिए। अगर कोई भी कार्य, कोई भी डिसीजन मेकिंग है तो उसमें पॉजिटिविटी आपको 13 तारीख के बाद ज्यादा देखने को मिलेगी। द्वितीय स्थान की बात करते हैं, दूसरे घर में शनि है। देखिए, 7 तारीख तक शनि और मंगल की युति आपके द्वितीय भाव में रहेगी, तो घर परिवार और फैमिली मैटर के अंदर शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि 7 तारीख तक ऐसी स्थितियां होती है कि जहां पर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं फैमिली के अंदर। आपकी वाणी के अंदर भी एक तरह से अग्रेशन आ सकता है फैमिली मैटर्स से कनेक्टेड अगर कोई भी मैटर है तो। और 7 तारीख के बाद परिस्थितियां फिर भी स्थिर है। देखिए, कोई भी प्रकार का सेविंग्स करना चाहते हैं और सेविंग्स को लॉन्ग टर्म के अगर आप कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट की तरफ डालते हैं तो आपके लिए बेटर स्थिति है। और एक तरह से शनि जब पूरे ही महीने आपके द्वितीय स्थान में रहेगा और 7 तारीख के बाद वो अकेले यहाँ पर खुद के घर के अंदर रहेगा तो फाइनेंशियली आपके लिए लाभ की स्थिति क्रिएट होती है। बस यही है कि चीजों को जिस प्रकार से भी आप फाइनेंसेस को हैंडल करते हैं तो उनकी सेविंग्स के अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा, शॉर्ट टर्म में अभी इतना फायदा नहीं है। थर्ड हाउस की बात करते हैं, तृतीय स्थान का स्वामी शनि होकर द्वितीय भाव में शुक्र मंगल की एक युति बनती है यहाँ पर। देखिए, ये जो स्थिति है मैं कहूंगी कि देखिए प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है, टेक्निकली और आपको स्पेशली मेडिकल लाइन के अंदर या आईटी सेक्टर के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी आर्किटेक्चरल काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन के काम वालों के लिए बहुत अच्छा है। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि भाई बहनों के साथ अगर जॉइंट बिजनेस में है या फैमिली बिजनेस के अंदर है तो अभी वाणी में अग्रेशन आ सकता है और कहीं पर डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है। तो हो सके तो कोई भी मैटर है तो उसमें आप सेफली उस चीज से दूर रहिएगा और कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट ना हो, ये स्थिति का आपको ध्यान रखना है। बाकी परिस्थितियां सुधार की तरफ है आपके लिए। कार्यस्थल के अंदर बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज
और वाणी से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट होती है, तो वैसे चिंता वाली कोई बात नहीं है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए स्वगृही एक तरह से जो गुरु है वो मीन राशि के अंदर आएगा 13 तारीख के बाद। तो प्रॉपर्टी मैटर के अंदर मैं कहूंगी कि अब एक स्थिरता आएगी। आप कोई भी काम अगर प्रॉपर्टी मैटर से कनेक्टेड है तो उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग के अंदर स्थिरता आएगी। अगर कोई भी परिस्थिति ऐसी थी कि जो नहीं हैंडल कर पा रहे थे, अब वो धीरे धीरे आपको वो क्षमता देती है कि आप इस प्रकार के निर्णय को सटीक तरीके से ले सके, कोई भी काम करना चाहते हैं आगे बढ़ सकते हैं। प्लस अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। कंसल्टिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उनके लिए भी परिस्थिति है बहुत अच्छी। मानसिक अशांति जो काफी समय से थी अब धीरे धीरे आपके मन के अंदर, क्योंकि चौथा घर मन का भी होता है, आप अपनी जो घर के अंदर कुछ समय बिताना चाहेंगे। प्लस ज्ञान से कनेक्टेड कुछ चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि कुछ रीडिंग की तरफ का, लिटरेचर की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। प्लस मन में एक स्थिरता आप खुद अनुभव कर पाएंगे। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में देखिए मुख्य रूप से कहा जाए 15 तारीख तक सूर्य आपके गुरु के साथ यहाँ पर रहेगा जो चतुर्थ स्थान है आपका। उसके बाद वो आपके पांचवें घर में 15 तारीख के बाद चला जाएगा। बुध 8 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक पंचम भाव में। ये एक ऐसी स्थिति है कि बच्चों के साथ डिस्प्यूटेड स्थिति ना हो, विचार मतभेद ना हो, इस चीज का आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज मैं कहूंगी कि अगर कोई शेयर मार्केट के अंदर है तो थोड़ा अट्रैक्टिव ऑफर्स के चक्कर में पैसा उसमें एकदम से मत डालिएगा। अभी राहु ट्रांजिट कर रहा है और अब ट्रांजिट करके 12 तारीख के बाद जब आपके पंचम भाव में आएगा तो इस तरह की चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मगर बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा क्योंकि ये भ्रम और भ्रांति क्रिएट करता है, नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए एकदम से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिए, थोड़ा स्लोली स्लोली आप करिएगा तो ज्यादा बेहतर स्थिति है। और सूर्य बुध की एक युति और राहु की युति, ग्रहण दोष पांचवें घर के अंदर क्रिएट होता है तो लव मैटर्स में भी थोड़ा सा संभल के चलने का समय है। ऐसी स्थिति के अंदर विचारों में काफी मतभेद हो जाता है, तो हो सके तो मन को काफी स्थिर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए भी एक तरह से भटकाव की स्थिति क्रिएट करता है ये। जो स्थिरता के साथ आपको करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो एजुकेशन के अंदर आप है, तो उससे आपको भटकाएगा ये, तो ऐसे भटकाव से आपको बचना है। वैसे लग्न का स्वामी काफी स्थिर पोजिशन में है, फिर भी ये पंचम भाव का, अगर आपकी कोई ऐसी दशा अंतरदशा चल रही है इससे कनेक्टेड तो ऐसी चीजें हो सकती है, तो अपने फोकस के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी ग्रहण दोष के कारण ये स्थिति जरूर क्रिएट होती है कि पांचवें घर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, और इसमें भी पंचम भाव का अधिपति खुद शुक्र मंगल एक साथ है। तो देखिए लव मैटर के अंदर भी मैं कहूँ कि आकर्षण के बेस पर कोई भी डिसीजन लेने से बचिएगा। सिक्स हाउस की बात करें, सिक्स हाउस का अधिपति शुक्र होकर आपके तृतीय स्थान में मंगल के साथ है। अभी कोई भी प्रकार की लोन्स है उसे अवॉइड कीजिए जितना हो सके, लोन्स में ज्यादा पड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये जो सिक्स हाउस का स्वामी जब ऐसी पोजिशन में होता है तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं तो उससे आपको मीन्स यूरिन इन्फेक्शन भी इसमें आता है, तो ब्लड के अंदर जो भी कनेक्टेड मैटर है उससे कनेक्टेड चीजों से आपको सतर्क रहना है। अगर ऐसी कोई चीज है, डायबिटीज है या ऐसी कोई भी मैटर से आप पीड़ित हैं, तो उस चीज से कनेक्टेड आपको प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए और जो भी मेडिकेशन है आपको कर लेना चाहिए। वैसे बहुत चिंता वाली बात नहीं, लग्न का स्वामी काफी मजबूत पोजिशन में है, फिर भी ऐसी कोई भी छोटी मोटी चीजों के ऊपर आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए, ये आपको जरूर कहूंगी। शत्रुओं के मामले में कहूं कि कार्यस्थल में कोई भी डिस्टर्बेंसेस है उसे अवॉइड कीजिए, वैसे बहुत डरने वाली कोई बात नहीं है। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी खुद पंचम भाव के अंदर है।
देखिए ये जो स्थिति बनती है राहु के साथ, तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से आपके लिए बहुत अच्छा है। काम के अंदर आपको एक ही चीज है कि कोई भी पार्टनरशिप करते हैं तो उसके अंदर कोई भी आकर्षण के बेस पर आप पार्टनरशिप मत कीजिए। जो भी पार्टनरशिप के अंदर है उसमें डिसीजन मेकिंग के वक्त थोड़ा सा असमंजस की स्थिति क्रिएट हो सकती है। गृहस्थ जीवन में भी थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं, मगर आप काफी स्थिरता से उस चीज को हैंडल कर पाएंगे, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी मैनेजमेंट संबंधित कोई भी कार्य है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कमीशन संबंधित काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए अच्छा है। देखिए एक चीज जरूर कहूंगी कि राहु के कारण उतावलेपन में किसी भी संबंध के साथ जुड़ने से बचिएगा। अगर मैरिज का कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें अट्रैक्शन या किसी के आप आकर्षण में आकर कोई इस प्रकार का जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टम भाव के ऊपर गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए ये एक रिसर्च के लिए फॉरेन संबंधित काम में अब आपके लिए बहुत बेहतरी बताता है। और ये अष्टम भाव के ऊपर ये जो रिसर्च के अंदर स्पेशली लिटरेचर का कोई रिसर्च करते हैं और कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग या उस संबंधित कोई भी काम करते हैं, एनालिटिक्स का कोई कार्य करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है और अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी गेन भी देता है, तो ये परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल है। नवम भाव की बात करते हैं, नवम भाव का अधिपति खुद आपके देखिए पंचम भाव के अंदर है राहु के साथ, तो ये स्थिति के अंदर शुरुआत में वो आपके चतुर्थ स्थान में रहेगा, उसके बाद वो आपके पंचम भाव में चला जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो देखिए बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से अच्छा है भाग्य के अंदर भी आपके लिए काफी सपोर्टिव बेस बना हुआ है, मगर एक तरह से कहा जाए कि जो आप मास्टर्स करना चाहते हैं वहां पर थोड़े से अवरोध आ सकते हैं। जो फ्लॉलेसली आप वो चीज के प्रति आगे बढ़ना चाहते थे या कोई यात्रा करने के लिए आपकी इच्छा है तो उन चीजों में डिलेज हो सकते हैं, ये जरूर मैं कहूंगी। बाकी भाग्य के अंदर एक ही चीज कहूंगी कि राहु के साथ है तो कोई भी प्रकार का भ्रांति में वो आपको न डाल दे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दशम भाव की बात करते हैं, दशम भाव का अधिपति अब ऐसी स्थिति के अंदर है तो मैं आपसे एक ही चीज कनेक्टेड कहूंगी कि कार्यस्थल के अंदर आप कलीग्स है या आपके आसपास के एनवायरमेंट को अपने ऊपर अफेक्ट मत कीजिए। अब ये गुरु की जो दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ती है तो बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए कंसल्टिंग रिलेटेड कोई भी काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कार्यस्थल में आप मैनेजमेंट लेवल का कोई काम करते हैं अच्छा है, मगर आसपास की परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी फेवरेबल नहीं है, मगर आप अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। गुरु आपको बहुत एक्सीलेंट आपको आगे का रास्ता दिखा रहा है, मगर कोई भी ऐसे कलीग्स के साथ या आपके आसपास के एटमॉस्फेयर या लोगों के साथ कोई भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है तो रिएक्ट मत कीजिए इस चीज से, जितना अवॉइड करके अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देंगे। ये गुरु का आपके लिए बहुत ही बेटरमेंट की स्थिति मैं कहूंगी, आपके लिए नई नई परिस्थितियां और नए नए ऑप्शंस क्रिएट करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। देखिए अब बात करते हैं ग्यारहवें स्थान की, ग्यारहवें स्थान में अब केतु आ रहा है और ग्यारहवें स्थान का अधिपति बहुत ही मजबूत पोजीशन में है तो आपको लाभ बने हुए हैं 100%। कोई भी चीज के अंदर प्रेजेंटेशन टेक्निकली आपका काफी परफेक्शन रहेगा, आकर्षण भी रहेगा आपके कार्य के अंदर, लाभ आपके लिए बहुत अच्छे लेवल तक बना हुआ है और ये एक तरह से आपके लिए बेहतर स्थिति क्रिएट करता है, मगर आपकी एक्सपेक्टेशन से अभी काम में मैचअप तो हो जाएगा, आपके लिए काफी फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, मगर आसपास के एनवायरमेंट से थोड़ा सा खुद को अलग रख के अपने कार्य को कितना बेहतर कर सकते हैं इस चीज के अंदर आपका फोकस होना चाहिए। बारहवें घर की बात करते हैं, ट्वेल्थ हाउस का अधिपति खुद तृतीय स्थान में है तो देखिए फॉरेन कनेक्टेड सभी कार्य में आपके लिए बहुत ही बेटरमेंट स्थिति है और गुरु का एक दृष्टि संबंध जो बन रहा है ट्वेल्थ हाउस के साथ तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है।
और ये गुरु की दृष्टि के कारण अगर वीजा कनेक्टेड कोई भी काम आपका अटक रहा है तो अब उसके अंदर पॉजिटिविटी बनती है, आपको काफी बेटर स्थितियों के अंदर लेकर आएगा। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस को प्लान करके चलिए, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए धनु लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, मुझसे कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए परिस्थितियों को समझकर और स्थिर होकर डिसीजन लीजिएगा। वैसे लग्न की परिस्थिति बहुत ही अच्छी है तो आपके लिए पहले से काफी समझदारी और काफी कहते हैं ज्ञान वर्धक स्थितियां हैं। आपको ज्ञान के साथ आपको कैसे डिसीजन लेना है ये परिस्थिति आपके लिए गुरु क्रिएट करता है। और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने अगले महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।